ओम श्री परमात्मने नमः। बधा ज भक्तों ने मारा जय श्री कृष्ण। सातमो स्कंध उती लीला भगवान ना दक्षिण कर कमल स्वरूप छे। भगवान श्रीनाथ जी नो जे हाथ कटी ऊपर छे ते स्वरूप। अने सातमा स्कंध मा भक्त प्रहलाद नी कथा अहिया श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा ने कई संभळावी रह्या छे। पहलानी वात छे के जय अने विजय नामना भगवान ना जे द्वारपाळो छे एमने सनत कुमारों नो श्राप लाग्यो छे, तेथी वैर भावे भजी अने भगवान ने पामवाना छे। तो पहला जन्मे आ बन्ने द्वारपाळो हिरण्याक्ष अने हिरण्यकश्यपु बन्या। बीजा जन्मे ते रावण अने कुंभकर्ण बन्या अने त्रीजा जन्मे तेओ शिशुपाल अने दंतवक्र बन्या छे। नारद जीए युधिष्ठिर ने प्रहलाद चरित्र ने कथा कही छे। सांभळो कथा। वराह भगवाने जयरे हिरण्याक्ष ने मार्यो त्यारे एनो भाई हिरण्यकश्यपु विष्णु ने मारी पोताना सहोदर नो वैर लेवा तैयार थयो छे। हिरण्यकश्यपु ना मन में एम थयु छे के आ श्रीहरिए भगवान विष्णुए मारा भाई ने हिरण्याक्ष ने मारी नाख्यो, तो हूँ हवे ब्रह्मा जी नो तप करू, एमने प्रसन्न करी वरदान मेळवू, अने पछी वरदान मेळवी अने पछी विष्णु साथे युद्ध करू, युद्ध में एमने हरावी दऊ। तो आ रीते हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा ने प्रसन्न करी वरदान मेळववा माटे जंगल में जवा तप करवा माटे तैयार थयो। आ हिरण्यकश्यपु जे छे एनी पत्नी एनु नाम छे कयाधु। जयरे हिरण्यकश्यपु जंगल में तप करवा माटे तैयार थयो तो कयाधु पोताना पति ने पूछे छे, सिद्ध चाल्या स्वामी? तो हिरण्यकश्यपु कहे छे, ब्रह्मा ने प्रसन्न करी वरदान मेळववा माटे जाऊं छु, एने मारा भाई ने मार्यो छे एटले हूँ वैर लईश। कयाधु पूछे छे, स्वामी तमे पाछा क्यारे आवशो? त्यारे कहे छे, कई नक्की नहीं, कदाच 10,000 वर्ष पण वीती जाए। कयाधु कहे छे, आटला बधा वर्षो तमारा विरहमां हूँ केम करीने जीवी सकीश, जवा दो ने आ वात, भूली जाओ। हिरण्यकश्यपु कहे छे, नहीं, हूँ तो जईश ज अने मारा भाई ने मारनार साथे वैर वाळीश ज। एम कही हिरण्यकश्यपु मंद्राचल पर्वत उपर तपश्चर्या करवा माटे जतो रह्यो। मंद्राचल पर्वत पर जई अने एने तप करवानुं शरू कर्युं तो हवे आकाशमां देवताओने चिंता थई। इंद्र कहे छे, हे देवगुरु बृहस्पति, तमारे कंईक करवुं पड़शे कि जेथी आ तप करी ज न शके, एनुं तप अधूरुं रही जाय। तो देवगुरु बृहस्पति त्यां आव्या छे मंद्राचल पर्वत उपर अने ए पोपटनुं रूप लईने आव्या। आवी अने एक झाड उपर बेसी गया अने झाड उपर बेसी पोपटना रूपमां गुरु बृहस्पति नारायण नारायण एम करवा लाग्या। जोर जोर थी ए पोपट नारायण 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 एम बोलवा लाग्यो, एटले हिरण्यकश्यपुना मनमां ए नारायण नारायण शब्द पड्यो। ए बोल्यो, एना मनमां थयुं के तपना आरंभमां ज मारा शत्रुनुं नाम आ कोण बोले छे? जोयुं तो झाड पर बेसी अने पोपट नारायण नारायण ना जाप जपी रह्यो छे। तो हिरण्यकश्यपुने गुस्सो आव्यो, ए ऊभो थयो, एक कांकरो हतो ए हाथमां लीधो अने पोपट तरफ फेंक्यो, कांकरो मारी अने पोपटने उड़ाड़ी मूक्यो अने पाछो ध्यान करवा बेसी गयो। ध्यान करे छे त्यां पोपट तो पाछो उड़ीने आव्यो झाड़ पर, पाछो नारायण नारायण करवा लाग्यो। तो हिरण्यकश्यपुए पाछो पोपटने उड़ाड्यो, आवुं वारंवार थवा लाग्यु। एटली बधी वखत थयुं
हिरण्यकश्यपु पोपट ने उड़ाड़े, पोपट उड़ी जाए, वही पाछो झाड़ पर आवीने बेसी जाए अने नारायण नारायण करवा लागे। हवे हिरण्यकश्यपु ना मन में एम थाय छे के आजे मुहूर्त सारू लागतु नथी, बीजी वखत सारा मुहूर्त में तप करवा आवीश। जो भाइयों बहनों, ए असुर छे ने, माटे ए नारायण ना नाम ने अपशुकन माने छे। तो हिरण्यकश्यपु घेर आव्यो, घेर आव्यो। हवे भाइयों बहनों तमने एक बात कहूं के एना संतानो छे जेना नाम छे लाद, अनुलाद अने संलाद। हजी प्रहलाद नो जन्म थयो नथी, हवे थवानो छे। हिरण्यकश्यपु घरे आव्यो एटले कयाधु पूछे छे, अरे स्वामी तमे आवी गया? तो शो ब्रह्माजी प्रसन्न थई गया? तमने वरदान पण आपी दीधु? हिरण्यकश्यपु कहे छे, अरे ना ना, हवे ब्रह्माजी कहे आटला जल्दी थोड़ा प्रसन्न थाय, पण थयुं एवुं कि ज्यां हुं तपनो आरंभ करवा जाऊं छुं त्यां एक पोपट आव्यो अने मारी सामे नारायण नारायण करवा लाग्यो। हवे नारायण तो मारा शत्रुनुं नाम छे, एटले मने एम थयुं के मने अपशुकन थया, तो अपशुकन मां कई तप जप ध्यान थोड़ू थाय, एटले हुं घेर पाछो आव्यो अने पछी ज्यारे सारू मुहूर्त जोई अने मने थशे के आजे शुकन सारा थाय छे त्यारे हुं तप करवा माटे पाछो जाईश। भाईओ बहેનો, કયાધુ છે ને બહુ ડાહી છે, સમજદાર છે, એણે વિચાર કર્યો કે ચાલો ને આ બહાને પણ એમના મોઢામાંથી નારાયણ નારાયણ એ શબ્દ તો નીકળ્યો, તો એ તો ખુશ થઈ ગઈ। એણે હિરણ્યકશ્યપુ માટે ભાવતું ભોજન બનાવ્યું અને જમાડતા જમાડતા કયાધુ બહુ જ સાવધાનીપૂર્વક ચોકસાઈથી હિરણ્યકશ્યપુને પૂછે છે, સ્વામી खरेखर पोपट आव्यो हतो तमे ध्यान करवा बैठा था त्यारे? अरे हाँ, तो पोपट बोलतो हतो। अरे हाँ, पोपट बोलतो हतो। हे, ए शो बोलतो हतो? अरे ए नारायण नारायण बोलतो हतो। हे, पोपट बोले? कोई दिवस बोले? मैं तो कदी सांभळ्यो नथी। अरे हाँ, पोपट बोले एम, तमे बोलतो पोपट कोई दिवस सांभळ्यो छे? अरे हा, हमणां तो तने कीधु के पोपट नारायण नारायण बोलतो हतो। कयाधु के छे, ना भाई ना, मारा मन मां नथी उतरतुं के पोपट कदी बोले। अरे पोपट खरेखर बोलतो हतो। हे, शुं बोलतो हतो? अरे कीधु तो खरु के ए नारायण नारायण बोलतो हतो। हवे मने बीजी वखत ना पूछीश। अने हवे कयाधु शांत थई गई। रात पड़ी, शयन खंड नी अंदर पति ना चरण नी सेवा करता करता पुनः कयाधु हिरण्यकश्यपु ने पूछे छे, स्वामी तमे खरेखर पोपट ने बोलता सांभळ्यो हतो? अरे हा हा, मैं मारा सग्गा काने सांभळ्यो हतो। हे, ए शु बोलतो हतो? अरे तू आजे भूलकणी थई गई छे के शु? मैं तने केटली वार कीधु के ए नारायण नारायण बोलतो हतो, हवे ना पूछीश मने कई? આમ કયાધુ યુક્તિપૂર્વક પોતાના પતિના મુખે નારાયણ નારાયણ નામનો 108 વખત જપ કરાવે છે કે જેથી કરી એમનું કલ્યાણ થાય। ભાઈઓ બહેનો, આપણને એમ થાય કે કોઈની પાસે આમ જબરદસ્તી ભગવાનનું નામ લેવડાવીએ તો એનું ફળ મળે? ચોક્કસ મળે। જો દવા આપણે જાતે જ સમજીને પીએ तो रोग मटे, बराबर, पण कोई अणसमजू बाळक होय, नानू बाळक होय, ए दवा पीवा तैयार न थाय तो शुं करीए छीए? एना माता पिता शुं करे छे? पराणे पण दवा पीवडावता होय छे ने, एना हाथ पगड़े पकड़ी ले, एना पग पकड़ी ले, एनु मुख पराणे खोली अने पछी चमची थी दवा पाय छे ने, तो बाळक ने दवा नथी पीवी पण पराणे दवा पीवडावे छे तो पण एनी असर तो थाय छे ने। भाई, ये तो राम नाम की औषधि है। आ रीते कयाधुए युक्तिपूर्वक हिरण्यकश्यपुना मुखे 108 वखत नाम लेवडाव्यु छे अने बराबर एज समये भक्त प्रहलाद कयाधु माताना उदरमा पधार्या छे। पछी बीजो दिवस
उग्यो त्यारे हिरण्यकश्यपु आजे मंद्राचल पर्वत उपर तप करवा माटे गयो छे। पछी शुं थयुं हवे पछीनी क्लिपमां जोशुं। जय श्री कृष्ण।